हेलो फ्रेंड्स, मैसम मुकेश सिंह, द ओनर ऑफ कान एनर्जी कंपनी। दोस्तों, हमारे सीएनजी के काम में लगभग 23 साल का एक्सपीरियंस है। वी स्टार्टेड द सीएनजी बिजनेस इन द ईयर 1998। वी आर लोकेटेड इन वेस्ट दिल्ली इन पश्चिम बिहार एंड स्वर्ण पार्क एंड वी आर गवर्नमेंट ऑथराइज। दोस्तों, आज जो मैं गाड़ी लेके आया हूँ, दिस इज i10 1.2। इसके अंदर किट लगाए हमें करीबन 1.5 साल हो गया है एंड आई थिंक 1.5 ईयर इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक द रिव्यू फ्रॉम द कस्टमर। तो आप बिल्कुल अंत तक बने रहना, आई जस्ट गिव अ वॉक अराउंड इन 1 मिनट एंड आई टेक द रिव्यू। इसके अंदर जो हमने किट लगाई थी, दैट इज़ BRC। ये BRC का रिड्यूसर है, सिंगल स्टेज रिड्यूसर, प्रॉपर फिट, साथ में सेंसर मीटर है और इसके बगल में एडवांसर है पिकअप के लिए और ये इमरजेंसी प्लग है, एडवांसर का ही है, लगा नहीं था, आज हमने लगाई है इसको। चलो, इसके अंदर ये इंजेक्टर है, BRC का अपना वाल्टेक का इंजेक्टर आता है, इंपोर्टेड होता है, बहुत बढ़िया। एंड सी द फिटिंग, मतलब ये 4 पाइप जा रहे हैं, स्मॉल प्रॉपर इनलेट जा रहा है, प्रॉपर फिट है। इसका ECM दिखाते हैं, कोने में है BRC का ECM। i10 के लिए BRC ज़बरदस्त है, जैसे मारुति के लिए मैं कहता हूँ गैसटेक, मोटोजेन, लवेटो, i10 के लिए मैं कहता हूँ BRC बहुत बढ़िया है। इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ एंड देन आई टेक द रिव्यू। सिलेंडर लगाया इसके अंदर, 12 kg का सिलेंडर लगाया, स्टेपनी खड़ी रखी है ताकि आपका स्पेस मिल जाए इसके ऊपर बैग वैग रखने के लिए, प्रॉपर फिट है। कुलदीप जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये बताओ, ये 1.5 साल हो गया आपको किट लगे हुए, सर कैसी चल रही है? सर, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया चल रही है। हाँ। और एवरेज भी इतना अच्छा है, पेट्रोल में एवरेज है? पेट्रोल में तो एवरेज देती नहीं थी। हाँ। लोकल में 160 आराम से चल जाती है एक बार सिलेंडर फुल करके। अच्छा, मतलब जो भी 8-8.5 किलो गैस में 108 किलो ही आती है गर्मियों में मोस्टली। हाँ। सर्दियों में थोड़ी फालतू आ जाती है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चला जाती है। और हाईवे पे? हाईवे पे अभी अलग अलग एक्सपीरियंस है मेरा, कुछ नहीं कह सकता मैंने। हाईवे पे 220 भी चलाई है, 250 भी चलाई है और 260 किलोमीटर भी चलाई है। तो हाईवे पे अलग अलग है, एक स्पीड में चलती रहती है, तो जितना मैक्सिमम एवरेज है ये मानो कि सूंघ के चलती है, मतलब पेट्रोल भी के चलती थी और ये सूंघ के चलती है, बिल्कुल हल्के हल्के से। अच्छा, मतलब इतना और स्मूथनेस कैसी है चलने में? पिकअप में इसमें कोई फर्क नहीं है, एकदम दब के चलती है। हाँ। जैसे 12 cc का इंजन है। हाँ। उतना ही अच्छा चलता है। दिस इज i10 1.2। तो पिकअप बिल्कुल पेट्रोल वाली, बिल्कुल ओके है, कोई इशू नहीं है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। मैं वैष्णो देवी तक गया हूँ इससे। अच्छा, वैष्णो देवी घूम के आ गया। अच्छा अच्छा, आप आज आए थे, एक्चुअली क्या था, इस गाड़ी स्लो में मिसिंग कर रही थी, जग ले रही थी और थोड़ा वाइब्रेशन था। तो आज हमने इसके अंदर, मैं बता देता हूँ, मैं इसके अंदर हमने कुछ मैकेनिकल काम किया है। वो थोड़ा सा वो मेरी गलती थी। हाँ। कि मैंने दूसरे स्पार्क प्लग लगा लिए। हाँ। NGK के स्पार्क प्लग लगाओ। हाँ। और 10,000 कम से कम चलते हैं वो, बिल्कुल, और कोई दिक्कत नहीं आती, ना मिसिंग की ना झटके देने की, कोई दिक्कत नहीं आती। इनके द्वारा मैं सबको बताना चाह रहा हूँ, मैं देखो, जब भी आप गाड़ी सर्विस कराओ, दो काम जरूर कराओ, थ्रॉटल बॉडी क्लीन एंड स्पार्क प्लग क्लीन। एक सर्विस में स्पार्क प्लग क्लीन, अगले सर्विस में चेंज, लेकिन थ्रॉटल बॉडी क्लीन एवरी सर्विस। आप फिर मेरे पास नहीं आओगे, मैं बता रहा हूँ, गाड़ी A1 चलेगी। देखो, इंजनल ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर तो वो करता ही है, उसको दो काम बोलो भाई, थ्रॉटल खोल के साफ़ कर दे और इसका स्पार्क प्लग साफ़ कर दे। एक सर्विस साफ, अगले सर्विस चेंज, कोई जर्क नहीं, कोई मिसिंग नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं, मजा है। मेरे को बोला कि उसने कि NGK के मेरे पास है नहीं। हाँ। अभी हुंडई के ले लो। हाँ। लेकिन वो गलत है। हाँ। NGK ही सबसे बेस्ट है और वही कामयाब है। वो तो है, NGK इज़ बेस्ट। CNG के लिए क्या, पेट्रोल के लिए भी NGK बेस्ट, सबसे बेस्ट है। चलो, आई एम वेरी नियर टू everyone here इन पश्चिम बिहार ईस्ट मेट्रो स्टेशन। If people want to avail our 23 years of experience, you are most welcome, kindly come. Thanks.